गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में, इन पहाड़ों की इन हसीन वादियों में। तभी है सुबह के 7 बज रहे और मैं जा रहा हूँ खेत में हल लगाने। अपने खेत में नहीं, गांव के कोई है उनके खेत में हल लगाने जा रहा है। फिलहाल तो मुझे कहा है कि जो जुआ होता है वो लेके आना, तो मैं जुआ लेके जाऊँगा खेत में। अभी खेत में हम हल लगा रहे थे, वो खेत ये रहा हमारे पीछे। अभी पापा लगा रहे हैं हल और अभी ऊपर बचा हुआ है, तो ये वही खेत है जहाँ हमने धान बो रखे हैं। खेतों में ये रोटी आ गई, मम्मी लेके आई है और एक आ रही है पानी लेके, लेकिन फिलहाल फोन पर लगी है और बैल हमने खोल दिया यहाँ पे। अभी हम खेत में हैं और अभी खाया हमने खाना। पापा लगा रहे हैं हल तो अभी मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, तो जो आ रखी थी वो चली गई बकरियों के साथ। फिलहाल तो हम तो ले रहे हैं चाय का मज़ा। जब खेत में आए रखा तो एक पान थे, दो काज हो जाए तो ये पकड़ियाँ मैंने डराती और काटना मुझे ये पेड़। तो इस पेड़ में ज़्यादा नहीं, 2-3 फू काटने हैं शायद दिन के लिए। तो मम्मी के थोड़े पैर दर्द, तो मुझे कहा है इतनी बड़ी धराती देख करके इसको काटने के लिए, तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं करता कि नहीं करता मुझसे। बैलों को खोल दिया है हमने और मैं आ गया हूँ फिर से नीरज के साथ। तो नीरज भी यहाँ अपने बैलों के साथ आ रखा। नीरज और आ उसके साथ उसका प्रिय परम प्रिय मित्र कैची कुकुर नहीं रॉकी भाई आ रखा है, और ये रहे हमारे नीरज जी। तो नीरज ने बैल वहाँ नीचे छोड़ के डर डर के आ रहा था यहाँ, थोड़ा बहुत 2-4 गालियाँ हमने भी दी नीरज को, तब जाकर बैल आए यहाँ। मेरे बैलों के साथ पापा आ गए हैं और यहाँ पे ली जा रही है नीरज की क्लास। तो नीरज के फ़ोन की चेकिंग हो रही है यहाँ पे। अभी अभी खाना खाया और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो आज घर में सोना सोना लग रहा है क्योंकि चाचा लोग सब चले गए हैं। तो अब बचे हैं मैं, 3 भाई बहन हम और मम्मी पापा दादी। फिर भी थोड़ा बहुत सोना सोना तो लग ही रहा है। मैं जाऊँगा जो भैंस का बच्चा है उसे ये पानी पिलाने जो ये रखा है, तो मैं पहले गौशाला चलता हूँ। मैं आ गया गौशाला में, तो घर में ठंडी हवा चली थी, यहाँ भयंकर गर्मी चली है। तो यहाँ पर रखा मैंने जो खवानी पानी जो भी है, तो उसको इसमें रखकर फिर अंदर भैंस के बच्चे को दे दूँगा। भैंस को तो मम्मी ने पानी पिला दिया था, लेकिन इसको अभी पानी नहीं पिलाते, अभी इसको ऐसे ही पानी पिलाते। यह शाम के 4:30 बजे का टाइम और अभी हल्का बहुत बारिश की बूंदें गिरने बैठ गई। जैसे मैं बकरियों को खोलने आया वैसे ही ये बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो देखते हैं पहले बारिश को बंद होने देते फिर हम बकरे को खोलेंगे। फिलहाल तो मैं चलता हूँ ऊपर में दादी के साथ। आज भी फिर से इसी टाइम पे बारिश शुरू, शायद मुझे कि 5:30 बजे करीबन बकरियाँ खोलनी पड़ेगी। मैं बैठा हूँ अपने हॉल में और यहाँ से आनंद ले रहे हैं हम हवा का और बारिश का। बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी और हवा तो आप सुन ही रहोगे। बारिश का तो लगा धंधा है, बारिश तो आती जाती रहेगी, लेकिन बकरियाँ आज बहन जल्दी ले आई थी, तो उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो खोलना ही पड़ेगा, वरना उन्होंने अंदर ऐसा शोर मचा रखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ तक उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। समय मौसम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे रात पड़ने वाली होगी, लेकिन ये 5 बजे का नज़ारा है यहाँ का। अंधेरा पूरे जगह अंधेरा दिखाई देने लग गया है, इधर साइड भी अंधेरे अंधेरा है, और मुझे भी ये लगा कि अंधेरा होने बैठ गया है, लेकिन आधा घंटा बकरियों को खोलना ही पड़ेगा। नहीं तो मुझे बकरियाँ खुली करीबन कि 20 से 25 मिनट हो गए होंगे, लेकिन तब से आसमान में जो आवाज़ें हो रही है वो आवाज़ें हो रही है, तो ऊपर साइड से तो वो आवाज़ लगी है, रेगुलर लगी हुई है, और मेरे बकरियों का भी वही हाल है। तो वो भी एक जगह पर चैन पर नहीं रह रहे, अब कल परसों से उन्हें शाम को नहीं खुलेंगे हम। ये ऐसे इंसान हैं जिनको एक बार फ़ोन करके फ़ोन ही उठाते हैं, लेकिन दोबारा फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन उठाते हैं, उसके बाद हमें पानी भी ले आते हैं। तो हमारे नीरज भाई बिस्तर से अभी सो के उठ रहे हैं, उनका चेहरा आप देख ही सकते हैं कितना सोच रखा है, और नींद शायद पूरी नहीं हुई। धान बो के हमने कंप्लीट कर दिया और वो मैं डालने लायक हो गया है, और ये तितलियाँ आवारी है जो ये हाथ पे है उड़ गई, तो ये आवारी है इस बारिश में लगी है ये उड़ने पे। ये रहे हमारे नीरज भाई जो बारिश का मज़ा लेते हुए बिस्तर से, मैंने गलती कर दी उनको उठा के, और नीरज भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे मुझ पर, लेकिन अब गुस्सा सब थूक दिया उन्होंने। बकरियों के साथ मुझे करीबन कि 1 घंटा होने वाला है और बारिश भी शुरू हो गई है। तभी बकरियां मेरी आराम से इस समय चल रही है, तो मैं उनको रहने देता हूँ। भीग रही है तो भीगने दो, जब वो ज़्यादा ठंड लग जाएगी उनको तो खुद ब खुद चले जाएंगे घर। फिलहाल तो यहाँ पे चल रहे हैं आराम से, आधा बकरियाँ यहाँ हैं और आधा उस समय। बारिश के साथ साथ कोहरा भी लग गया है, तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो बकरियाँ भी नहीं दिखाई दे रही जो आगे भाग गई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।